दोस्तों, ये पत्नी पति से कहती है, बेटी जा रही है, क्रिकेट उसकी जिंदगी है, उसे क्रिकेट खेलने दो। तो पति कहते हैं, मैंने कह दिया ना, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। माँ बेटी से कहती है, बेटी जाने से पहले एक बार अपने अब्बू से बात करते जाना। तो बेटी कहती है, माँ अब्बू से बात नहीं की जा सकती, उन्हें तो केवल सुना जा सकता है। बेटी पापा को बड़े ही मायूसी से देखती है और फिर चली जाती है। बेटी अपनी फोटोज खींच कर माँ को भेजती है, जिसे देख कर माँ बहुत खुश होती है, मगर अब्बू अब भी मुँह फेर लेते हैं। बेटी का फाइनलिस्ट में नाम देखकर माँ बहुत खुश होती है और पागलों की तरह पड़ोसियों को भी बताने लगती है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। रास्ते में सभी अब्बू को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। अब्बू अब भी अपने बात पे अडिग थे। आज सारा का फाइनल मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक गेंद पे 2 रन चाहिए थे। सारा ने लास्ट बॉल पे बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सारा के जीत पे माँ खुशी से उछल पड़ती है। बेटी को देख अब्बू की आंखें भी नम हो जाती है। माँ अब्बू की ओर फोन बढ़ाती है। बेटी फोन उठा के कहती है, मम्मी हम जीत गए। तो फोन से आवाज आती है, मैं अब्बू बोल रहा हूँ, बेटा जीत मुबारक हो। बेटी थोड़ी देर के लिए चुप सी हो जाती है। आज इन पिता को एहसास हो रहा था कि बेटियों के लिए इनकी राय कितनी गलत थी।